लॉर्ड ये तो ऐसे कह रहा है जैसे खुद शहंशाह बाबर ने वो जमीन इसके पुश्तों के नाम की थी। क्या बाबर ने? बाबर बाबा उसका मुलगा बेटा, उसका बेटा बादशाह हुमायून, बादशाह हुमायून ने लिख के दिया। अच्छा? है उसका सबूत है ये। हाँ ये सबूत है मिलॉर्ड उसका, ये देखो। हाँ ये सबूत तुम्हें बस अवश्य पकता है ना? बस ठीक है ठीक है। हाँ संभाल के जरा। अरे भाई इसे पढ़ने के लिए तो हुमायूं को ऊपर से बुलाना पड़ेगा। वो फारसी में लिखा है ना। ओ फारसी में क्या लिखा है इसमें? यही कि जमीन हमारा है। हाँ वो बादशाह हुमायूं ने 1539 में लिख के दिया है। वो देखो ना उनका हस्ताक्षर नीचे, नीचे मोर भी है उधर, नीचे देखो उधर देखो ना उनका हस्ताक्षर। समझ गए तुम, पीछे चलो। तुकाराम हुमायूं ने तुम्हारे परदादा को वो जमीन लिख कर दी थी, ठीक मिला वकील साहब? एक बात समझ में नहीं आई, आप जरा सोचिए। हुमायूं जो है आगरा से निकला, वो महाराष्ट्र पहुंच गया। महाराष्ट्र पहुंचने के बाद उसने एक छोटे से गांव में जाकर के इसके मराठा परिवार को ढूंढा और उससे कहा, भैया तुम कहां थे, ये लो ये जमीन के दस्तावेज मैंने आपके नाम कर दिए हैं, मुझ पर मेहरबानी करो नहीं तो मुझे भारत छोड़ना पड़ेगा। प्लीज प्लीज तुकाराम। अरे तभी अपने देश में अंग्रेजी नहीं था साहब, वो प्लीज कैसे बोलेगा? उसने बोला कृपा करके रख लो। ए तुकाराम तुम कोर्ट को बेवकूफ मत बनाओ, सच सच बताओ दस्तावेज तुमको कहां से मिले? बाहर मिलता है 20 रुपए किलो में, तुमको नहीं मिला क्या? मिला देखिए। बात करता है साहेब, वो हुमायून बादशाह है ना, वो महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पे शिकार करने आए थे, जहाँ अचानक उनका तबियत बहुत खराब हो गया ना, ऐसा परसकट लगा उनको। क्या हो गया? बुखार हो गया? अरे बुखार नहीं संडास, ऐसा संडास के पल 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 पल। इतने हकीमाए इतने वैदाए पर ठीक ही नहीं हो रहे थे। हाँ फिर मेरे दादा के परदादा के परदादा के दादा वहां पहुंचे और उन्होंने बादशाह हुमायूं को औषध की एक पुड़ी में ठीक कर दिया। एक पुड़िया औषध की ठीक कर दिया। बादशाह हुमायूं खुश हो गए और खुश होकर बोले, बोलो बोलो तुमको इनाम में क्या मांगता है बोलो। हाँ और तुम्हारे परदादा ने इनाम में ताजमहल मांग लिया है ना। मेलेला समझतच नहीं, ये काला कोट भाड़े का है क्या? क्यों हुमायूं बादशाह के टाइम में ताजमहल था ही नहीं। वकील साहब आप इतिहास भूल गए। मिलॉर्ड मुझे सब मालूम है, मैं तो इसे आजमा रहा था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मिलॉर्ड कि वो जमीन इसकी कैसे हो गई? अरे मैं वही बता रहा है, बादशाह हुमायूं ने मेरे दादा के परदादा के परदादा के दादा। एक मिनट, ये तुम परदादा परदादा को भूल जाओ और सिर्फ दादा पे रहो। दादा साहब मिलॉर्ड। हाँ हाँ तुकाराम, तुम बाकी सारे दादाओं को भूल जाओ, परदादा को याद रखो बस। हाँ, तो साहेब बादशाह हुमायूं ने मेरे परदादा को क्या बोला कि तुम हमारे राजकीय वैद्य बन जाओ। राज अभी अभी दादा को आ गया टेंशन, आली का पंचायत, अभी बादशाह ने बोला है तो बात तो माननी पड़ेगी, ये इनकार नहीं कर सकते, आए कि नहीं? तो दादा ने साहेब को क्या बोला कि बादशाह देखो मैं किसान आदमी है, मैं शेतकारी आदमी है, तो मेरे को शेती तो करना ही पड़ेगा ना, तो मेरे को थोड़ा सा जमीन किधर दे दो शेती का वास्ते। और हुमायूं ने यमुना नदी के किनारे वाली जमीन तुम्हारे परदादा के नाम कर। अब ये बात आपके समझ में आ गया। फिर उसके बाद में मेरे परदादा ने वहाँ पे बासमती चावल उगाना शुरू कर दिया। बासमती चावल? हाँ, बासमती चावल। मिलॉर्ड आज मुझे पता चला कि बासमती राइस के फाउंडर तो तुकाराम के खानदान के लोग हैं। और तुमको कैसे मालूम? अरे भैया अभी तुम्हें तो बताया। बात इधर ही खलास नहीं होता है, हम लोग के पास एक और सबूत है। हाँ साहेब, अकबर बादशाह का लेटर, अकबर बादशाह ने लिखा है, अकबर बादशाह का लेटर। अरे बैठो ना, मैं देखता है। हाँ अकबर बादशाह। हाँ भाई अकबर बादशाह ने दिया है तो ये भी हमारे पल्ले कहाँ पड़ेगा। ये भी फारसी में ही लिखा है। क्या लिखा है इसमें? मिलॉर्ड यही कि अकबर बादशाह ने लाल किला इसके खानदान के नाम कर दिया। आप नकली वकील है ना?
क्यों? अरे इनको कुछ भी मालूम नहीं है, अरे लाल किला भी शाहजहां ने बनाया था। इस करेक्ट? हाँ नहीं, लेकिन अभी तुम मेरे को क्या बोलेगा कि तुम मेरे को आज मार रहा था, है ना? हाँ साहब, कैसा है? वो अकबर बादशाह ने हमारा लगान माफ कर दिया था। क्या हुआ साहेब, अकबर बादशाह के यहाँ जब वो शहजादा सलीम पैदा हुआ ना, तो एकदम खुशी का माहौल था, एकदम वो लोग आ रहे, दावत चल रहा है, पार्टी पार्टी चल रहा था एकदम। तो वो पार्टी में बासमती चावल हमारे यहाँ से गया, वो बासमती चावल सब मेहमानों ने खाया और सब एकदम खुश हो गए, सबने उसकी तारीफ की। तो अकबर बादशाह ने मेरे परदादा को बुला और बोले, अरे शांताराम, तेरा बासमती चावल तो ये हुआ ना, आज से तेरा लगान हमेशा हमेशा के लिए माफ। यही बात उसमें लिखा है, वो देखो उनका हस्ताक्षर भी है, मोहर भी है, ये देखो ये मोहर है। हाँ, हाँ, उसका हस्ताक्षर भी समझ गया। तुकाराम तुम वहां जाओ। हाँ सर, जाते। फिर साहब उसके बाद क्या हुआ, 1631 में जब वो शाहजहां की बीवी मरी ना, तो शाहजहां ने उसका समाधि बनाने के लिए हमारा जगह पे कब्जा कर लिया। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। तारीख गवाह है कि शाहजहां ने वो जमीन राजा मान सिंह के पोते मिर्जा राजा जयसिंह से चार हवेलियों के बदले में ली थी। अरे साहेब, वो अकबर बादशाह ने 1600 में वो जमीन मान सिंह को दी, लेकिन उसका पहले 1539 में बादशाह हुमायूं ने मेरे परदादा को दी। तो जमीन पहला किसका हुआ, मान सिंह का कि हमारा? हमारा? अरे आपका नहीं, हमारा। मेरा मतलब आगे बोलो। हाँ, अरे वो शाहजहां ने तो मेरे परदादा से बात पर नहीं किया, मेरे परदादा को तो जमीन देने का नहीं था, पर शाहजहां ने मानसिंह का जो पोता नहीं मिर्जा जय सिंह, उसको सामने करके ये पूरा जमीन उसका है ऐसा दिखा के छीन लिया। अरे साहेब, आज का टाइम में कैसा है, जमीन के वास्ते धांधली होता है ना, वो टाइम पे भी वैसा ही था। ये मेरा परदादा का जमीन छीनने के लिए वो शहनशाह और वो राजा दोनों एक हो गया। आजकल कैसा, ये बिल्डर और भाई लोग दोनों एक साथ आता है, वैसे ही वो शहनशाह वो टाइम का बिल्डर और वो राजा वो टाइम का भाई चमायला। साइलेंस, साइलेंस। साहेब, ये अपना मतलब के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों एक हो गए, वैसा एकता दिखाएगा नहीं, लेकिन मतलब का बात था ना, तो गैट मैट जमा लिया। सुन रहे हैं मिलोड आप, ये तो इतिहास को भी बदलने चला है। हाँ तो इतिहास क्या भगवान ने लिखा है क्या जो सच होएगा? भगवान ने लिखा है क्या, इंसान ने लिखा है ना। हाँ। ये शहनशाह राजा ये लोग ने जैसा लिखवाया वैसा लिखा और आज उन तक वही चलता आ रहे। आहो काय हे पण काय, लॉर्ड माउंटन बैटन का चिट्ठी, माउंटन बैटन का चिट्ठी है। अरे बस बस समझ जाता ना, काय को उठता है बार बार। हाँ, ये अंग्रेजी में। हाँ, ये अंग्रेजी लॉर्ड माउंटन बैटन की चिट्ठी है साहब। क्या हुआ था, जब ये अंग्रेज लोग अपना देश छोड़ के जा रहा था ना, तभी मेरा दादाजी जाके उनको मिला था, पूरा स्टोरी सुना है साहब, तभी लॉर्ड माउंटन बैटन ने उनको एक चिट्ठी दिया था। अच्छा तुकाराम, तुम्हारे वो परदादा गांधी जी से नहीं मिले? मिला ना, मिला उसको, पण सबूत पण है, ये देखो ध्यान आता है। गांधी जी के साथ मेरा दादाजी साहेब। साहब, अरे बस ना बाबा, कशाला उठता है सार के सार के। साहब, गांधी जी के साथ मेरा दादाजी। ये तो नहीं नहीं, मैं नहीं है, मेरा दादाजी है। ओ। वो हमारे खानदान में कैसा है, सब लोग एक ही शक्ल लेके एक के बाद एक पैदा हुआ है। अभी सोचो साहब, भगवान ने दिया हुआ ये शक्ल आज तक हम लोग ने किसी को नहीं दिया, तो अपना मालकी का जमीन कैसा देगा? ये छोड़ो, तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा होगा, अरे भाई तुम ये ताजमहल को तोड़ो और अपनी जमीन ले लो। अरे नहीं नहीं नहीं, उन्होंने क्या बोला, अभी ये सारा ये बंटवारे का लफड़ा चलता है ना। हाँ। अभी एक बार ये मैटर हो जाएगा ना, उसके बाद में तुम्हारा मैटर लेगा, लेकिन किसी ना समझ ने उनको गोली मार दी। तो तुकाराम तुम्हें क्या लगता है, ये ताजमहल जो है अब तुम्हें दे देना चाहिए, है ना? साहब, आपको सबूत चाहिए था, सबूत मैंने आपको दे दिया साहब, और कानून में लिखा है ना साहब कि किसी ने अगर दूसरे का जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो उसको जेल में डालेंगे साहब, और सबूत देखने के बाद वो जमीन जिसका भी है उसको वापस दे देंगे, ऐसा लिखा है ना साहब। बाकी फैसला आपके हाथ में। हम्म,
लैब में भेजकर ये सारे दस्तावेज चेक कराए जाएं, तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। आज तुकाराम ने अपनी मजबूत दलीलें और ताजमहल जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करके सरकार को सख्ते में ला दिया है। तुकाराम की मजबूत दलीलों ने हरकत मच गया है। सरकार हरकत में आ गई है। जमीन मामले में फूल पकड़ लिया। गांधी के देश में आज ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मामला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। लगता है यूपी में सरकार को ही चाल चल रही है। तुकाराम के इस दावे में कुछ सच्चाई दिखती है। सरकार हिल गई है, इससे ताज जमीन की उसकी दावेदारी मजबूत हो गई है। अब देखना है दस्तावेज की जांच के बाद ताज जमीन विवाद क्या मोड़ लेता है। ये देखो, अब ताजमहल पे भी मुकदमा ठुक गया है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस ताजमहल विवाद पर? अमा कहना क्या है, पहले तो हम इसे शाहजहां का ताजमहल कहते थे, लगता है अब तुकाराम का ताजमहल कहना पड़ेगा। क्या हो रहा है इस देश में? तो देखा आपने, इस समय सारे देश में चर्चा है कि ताजमहल किसके नाम से जाना जाएगा, शाहजहां के मोहब्बत की निशानी या तुकाराम के पुरखों की सेवा का फल। खैर, इस बात का फैसला तो अदालत की अगली तारीख पर ही होगा। मिलॉर्ड, अब मैं आपके सामने ऐसे डॉक्यूमेंट्स पेश करने जा रहा हूं जिससे ये केस पानी की तरह से साफ हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि तुकाराम का ये दावा दरअसल एक साजिश है, जाल साजी है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि एएसआई के ऑफिसर श्री ए पी श्रीवास्तव को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। मिलॉर्ड, इनकी पारखी नजर तुकाराम के ड्रामे का पर्दाफाश कर देगी। ये वही ए पी श्रीवास्तव हैं जिनको माननीय अदालत ने दस्तावेजों की सच्चाई का पता लगाने का हुक्म दिया था। हाँ तो श्रीवास्तव जी, आप अदालत को बताइए कि इस आदमी ने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, जो भी सबूत अदालत के सामने रखे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? वकील साहब, हमारी पूरी टीम ने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच बहुत बारीकी से की है। मेरा तजुर्बा कहता है ये सब असली है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? देखिए श्रीवास्तव जी, आप ये बात किसी दबाव में आकर तो नहीं कह रहे? वकील साहब, अब कौन दबाएगा मुझे? मेरी उम्र भी नहीं रही है और फिर मेरे पास दबाने को बचा क्या है? लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है? आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स एकदम असली हैं? मिलॉर्ड, पूरी जांच रिपोर्ट इसी फाइल में। मिस्टर श्रीवास्तव, आप जा सकते हैं। इसके पहले कि अदालत कोई फैसला सुनाए, आप लोग इस केस के बारे में और कुछ कहना चाहते हैं? साहब, मेरा सबूत असली है, इसका रिपोर्ट आपका सामने है, आप फैसला पास कर दो ना, मैं जाके अपना जमीन ले लेते हैं। तुकाराम, अभी फैसला नहीं हुआ है। अदालत ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पढ़ेगी, मशवरा करेगी, उसके बाद फैसला होगा। ठीक है साहब, मैं आपका बात मानता है, आप कभी गलत नहीं बोलेगा साहब, मेरे खाली एक ही बात बोलने का है। मैं मानता है कि अभी वो ताजमहल का जो जमीन है वो पूरी तरह से मेरा हुआ नहीं है, मैं मानता है, अभी उस पे केस चलता है, फैसला सुनाने का बाकी है। तो कायदे से अभी वो जमीन पूरी तरह से सरकार का भी नहीं है साहब। तो जब तक ये केस का पूरी तरह से फैसला नहीं हो जाता है, तभी तक ताजमहल बंद रखने का आईसा में विनंती करता है। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, ये इंसान ताजमहल पर स्टे मांग रहा है। मांगता है साहब, मांगता है, वो जो स्टे है वो मैं मांगता है, काहे को मालूम है साहब, अगर ऐसा नहीं किया ना तो ये सरकारी वकील, इनका सरकार अगले 5-10 साल तक मेरे को ऐसा ही गोल 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 घुमाता रहेगा और इस केस का कभी फैसला होएगा ही नहीं। भाई गरीब आदमी है साहब, हमारे लिए आप ही सब कुछ है, आपका फैसला भगवान का फैसला है। आज अगर आपने हमारे साथ नाइंसाफी किया ना साहब, तो ये भगवान पे से, अच्छाई पे से, कानून पे से विश्वास ही उड़ जाएगा हमारा। बस मैं इतना ही बोलते हैं साहब। मिलॉर्ड, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि
कोई भी फैसला करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि ताजमहल हमारे देश की धरोहर है मिलोट। बस मुझे इतना ही कहना है। ताजमहल हमारे देश की शान है, यह सारी दुनिया को पता है। मगर तुकाराम ने जो सबूत पेश किए हैं उन्हें अगर आधार माना जाए तो ऐसा लगता है कि ताजमहल की जमीन तुकाराम के खानदान की है। किसी की जमीन जबरदस्ती छीन लेना एक जुर्म है, इसलिए अदालत की यह राय है कि सरकार, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और जो भी डिपार्टमेंट इस केस से संबंधित हैं, तुकाराम राव साहब मराठे के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें, वरना 15 दिनों के बाद अदालत अपना फैसला सुना देगी। इन द मीन टाइम तुकाराम की विनती पर गौर करते हुए अदालत ताजमहल को बंद करने के लिए स्टे ऑर्डर इशू कर रही है। जब तक किसी के भी हक में इस बात का फैसला नहीं हो जाता, ताजमहल टूरिस्ट के लिए बंद रहेगा।